हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुप्रीता मिश्रा। आप अनुप्रीता मिश्रा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के चैनल पर किस किस तरीके से कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो पढ़ने जा रहे हैं। आज का वीडियो बेसिकली मैथ्स से रिलेटेड है, क्योंकि ये सब हमें काम आने वाला है सम सॉल्व करते वक्त कैलकुलेशन के दौरान। किसी भी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी को, चाहे वो फेजर क्वांटिटी हो, नॉन फेजर क्वांटिटी हो, फेजर क्वांटिटीज़ कौन सी है, करंट, वोल्टेज, फ्लक्स और MMF, और नॉन फेजर क्वांटिटीज़ कौन सी है, इम्पिडेंस, पावर, ये सारी नॉन फेजर क्वांटिटीज़ है, पर है तो सभी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज़। तो इनको रिप्रेजेंट करने के कितने तरीके हो सकते, तो आज मैं आपको वही पढ़ाने जा रही हूँ, डिफरेंट वेज टू रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज़। पहला तरीका रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन होता है। रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन का मतलब है रियल पार्ट यहाँ पर है, इमेजिनरी पार्ट ये, तो ये एक रेक्टेंगल की तरह रिप्रेजेंट हो रहा है, तो इसे रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन कहा जाता है, जो कि रियल पार्ट प्लस जे टाइम्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट से रिप्रेजेंट किया जाता है। और नेचुरली यहाँ पर वी का जो मैग्नीट्यूड है वो अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर होगा, सॉरी यहाँ पर स्क्वायर नहीं लगा है, स्क्वायर होगा। और ये मैं किसकी बात कर रही हूँ, सीरीज RL सर्किट की बात कर रही हूँ, तो सारी बातें मैंने सीरीज RL सर्किट के रिस्पेक्ट में ही की हुई है। मैं बना ही देती हूँ सीरीज RL सर्किट, तो आपको आसानी होगी समझने में, रेफर करने में। ये है, ये V फेजर है, ये I फेजर है, ये VR फेजर है, ये VL फेजर है, और ये हो जाएगा VR मैग्नीट्यूड, और ये हो जाएगा J टाइम्स ऑफ VL, ऐसा VL मैग्नीट्यूड है और J उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसकी वैल्यू R है, इसकी वैल्यू L है, तो Z की वैल्यू जो हो जाएगी वो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल होल स्क्वायर हो जाएगी। इसका जो वोल्टेज डायग्राम है, वोल्टेज ट्रायंगल या फेजर डायग्राम कहूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर मैंने आई भी ले लिया, तो आई रिप्रेजेंट कर लिया, वी आर कर लिया, वी वी एल, वी जो है वो वी एल और वी आर का रिजल्टेंट है। अब वी की जो डायरेक्शन है आई से प्लस फाइव है, मतलब ज़्यादा एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में है, तो वी जो है वो आई से आगे है, कितने एंगल से, फाइव एंगल से। अब मैं इसको जो है रेफरेंस डायरेक्शन ले रही हूँ, तो रेफरेंस के रिस्पेक्ट में वी फाइव एंगल से आगे है, रेफरेंस के रिस्पेक्ट में वी एल 90 डिग्री से आगे, वी आर मेरा रेफरेंस फेजर है, ठीक है। यहाँ इस पर्टिकुलर ट्रायंगल पर अगर मैं कॉस फाइव रीड करने जाऊँ तो वो बेस अपॉन हाइपोटेनियस हो जाएगा, वी आर अपॉन वी हो जाएगा। टेन फाइव रीड करने जाऊँ तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब वी एल अपॉन वी आर, ये सब की ज़रूरत मुझे आगे पड़ेगी, इसलिए मैं इनको यहाँ पर मेंशन कर दे रही हूँ। जेड कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, जो कि वी फेजर अपॉन आई फेजर होता है, ये सब हम पढ़ चुके हैं बेटा, मेरे प्रीवियस वीडियोस को आप रेफर करिएगा, ये आपके सिलेबस में है फर्स्ट ईयर के एसी क्वांटिटीज, एसी सर्किट्स वाले यूनिट में, इसलिए मैं थॉरली स्टेप बाय स्टेप आपको इस पर्टिकुलर यूनिट के कंटेंट्स पढ़ा रही हूँ। तो Z कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी V फेज अपॉन I फेज हो जाएगा। अब एक और रिप्रेजेंट होता है, रिप्रेजेंटेशन होता है इसको, हाँ अगर रेक्टेंगुलर क्वांटिटी में रिप्रेजेंट करूँ तो ये R प्लस जे एक्स एल इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया, R प्लस जे एक्स एल Z का रिप्रेजेंटेशन हो गया। S को अगर मैं रिप्रेजेंट करने जाऊँ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी पावर की जो होती है वो P प्लस जे क्यू ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते, मतलब ये रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन है, ये रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन है और ये रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन है, जो वोल्टेज ट्रायंगल, इम्पिडेंस ट्रायंगल और पावर ट्रायंगल से हम समझ सकते हैं। अब मैं इसी की मदद से आपको पोलर रिप्रेजेंटेशन समझाने जा रही हूँ, जो दूसरे टाइप का रिप्रेजेंटेशन है कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज़ का। पोलर क्वांटिटीज़ जो होती है वो सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन में आता है, जो भी फेजर होता है उसको एक सर्कल की रेडियस जैसा ट्रीट किया जाता है और ये रेफरेंस डायरेक्शन ली जाती है हॉरिजॉन्टल वाली। तो V को अगर मैं पोलर में रिप्रेजेंट करने जाऊँ, V फेजर को अगर मैं पोलर में रिप्रेजेंट करने जाऊँ, तो V की लेंथ V है और रेफरेंस से कितना एंगल बना रहा है, फाइ, तो V फेजर को मैं रिप्रेजेंट करूंगी V मैग्नीट्यूड और एंगल फाइव से, जो कि ये रेफरेंस के साथ बना रहा है। V मैग्नीट्यूड मतलब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से ले तो अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर होगा, और फाइव को मैं लिख सकती हूँ टेन इनवर्स ऑफ वी एल अपॉन वी आर या कॉस इनवर्स ऑफ वी आर बाय वी, ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते। तो यहाँ पर मैंने टेन इनवर्स ऑफ वी एल अपॉन वी आर से रिप्रेजेंट किया है। अब आई फेजर जो है वो मेरा रेफरेंस के अलोंग ही है, तो आई फेजर का पोलर रिप्रेजेंटेशन आई एंगल जीरो होगा, आई उसकी लंबाई है और एंगल जीरो वो रेफरेंस के साथ कितना एंगल बना रहा है वो बता रही हूँ। जेड कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, इसको डार्क जेड से मैंने शो किया, बोल्ड जेड से,
और वोल्ट जेड को मैं कैसे लिख सकती हूँ, वी फेजर अपॉन आई फेजर, इसे भी पोलर में लिख रही हूँ, इसे भी पोलर में लिख रही हूँ, तो वी मैग्नीट्यूड एंगल फाई, वी मैग्नीट्यूड एंगल फाई और आई मैग्नीट्यूड एंगल जीरो से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। अब जो जब दो पोलर्स का डिवीजन होता है तो मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड का डिवीजन हो जाता है, मतलब वी अपॉन आई सॉल्व होगा, और एंगल्स का सब्ट्रैक्शन होता है, मतलब न्यूमरेटर के एंगल से डिनोमिनेटर का एंगल सब्ट्रैक्ट होगा, मतलब एंगल फाई माइनस जीरो ऐसा हो जाएगा। तो ये मैग्नीट्यूड वी अपॉन आई हो गया, एंगल फाई हो जाएगा, फाई माइनस जीरो फाई हो जाएगा। ये जो है वो जेड का मैग्नीट्यूड है और एंगल उसका फाई, इसका कोई लेना देना नहीं है बेटा फेजर डायग्राम से। ये बाय चांस फाई एंगल आ रहा है और ये रेफरेंस से बनाने वाला एंगल नहीं है, ये जेड जेड मैग्नीट्यूड और एंगल फाई ये पूरे जेड कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी का पोलर रिप्रेजेंटेशन है। ये कंप्लीट कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन है किसका, ये जेड इक्वल टू आर प्लस जे एक्सएल जो रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन है जेड कॉम्प्लेक्स का, उसका ये पोलर रिप्रेजेंटेशन है जेड एंगल फाई। ऐसे ही एस कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी जो पावर क्वांटिटी है उसको मैं शो कर सकती हूँ वी फेजर इनटू आई फेजर से। अब मल्टीप्लिकेशन में पोलर क्वांटिटीज का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है मैग्नीट्यूड्स का, वी इनटू आई हो जाएगा और एंगल्स का एडिशन होता है, मतलब फाइव प्लस जीरो एंगल हो जाएगा। तो वी इनटू आई आपका एस का मैग्नीट्यूड आ गया और फाइव प्लस जीरो मतलब फाइव एंगल आ गया। तो एस कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी का पोलर रिप्रेजेंटेशन एस एंगल फाई हो गया, और अगर मैं इसका रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन लूँ एस कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी का तो वो पी प्लस जे क्यू ऐसा रिप्रेजेंटेशन होगा, पर एस का मैग्नीट्यूड अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है और एंगल फाई है। तो इस तरीके से मैंने आपको दो फेजर्स वोल्टेज और करंट फेजर्स के पोलर रिप्रेजेंटेशन बताए हैं। रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे मैं करंट का नहीं बता पा रही हूँ क्योंकि मैंने सीरीज आरएल सर्किट लिया है। जब मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन लूँगी आर और एल का, आर और सी का, तब या तीनों आर एल सी का, तब मैं आपको करंट के रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट की बात करूँगी। यहाँ पर सारे कॉम्पोनेंट सीरीज में होने की वजह से वोल्टेज के टर्म्स आपको मल्टीपल मिल रही है, करंट आपको सेम मिल रहा है। तो यहाँ पर मेरे पास करंट को लेके रियल और इमेजिनरी टर्म ऐसी नहीं आ पा रही बाय चांस, आगे हम डिस्कस करेंगे। और दो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज जेड और एस, मतलब इम्पिडेंस और पावर का मैंने आपको बताया पोलर रिप्रेजेंटेशन, और रेक्टेंगुलर तो हम पढ़ते आ ही रहे थे। तो इस तरीके से ये आपका रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन और पोलर रिप्रेजेंटेशन हो गया। एक और रिप्रेजेंटेशन मैं आपको बता देती हूँ, एक और टाइप का रिप्रेजेंटेशन होता है जिसे हम एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, वो पोलर रिप्रेजेंटेशन ही होता है, उसके ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस लिखने का तरीका अलग है। जैसे रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन में रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट लिखा जाता है, पोलर रिप्रेजेंटेशन में मैग्नीट्यूड और एंगल विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस लिखा जाता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मैग्नीट्यूड और ई टू द पावर जे टाइम्स ऑफ दैट एंगल जो रेफरेंस के साथ वो क्वांटिटी बना रही है। आई का जो पोलर था मैंने अभी आपको बताया कि मैं इसका रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन आपको पैरेलल सर्किट्स में बता पाऊंगी। तो आई इसका मैग्नीट्यूड हो गया, एंगल रेफरेंस के साथ ये जीरो बना रहा है, और इसका एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन आई ई टू द पावर जे जीरो डिग्री होगा। जेड कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी का अगर मुझे बताना है तो रेक्टेंगुलर ये हो गया, पोलर में मैग्नीट्यूड ये हो गया, एंगल ये हो गया, पोलर कोई मैं जेड एंगल फाइव से शो कर पा रही हूँ, और एक्सपोनेंशियल में जेड ई टू द पावर जे फाइव ऐसा शो होगा। सिमिलरली पावर की जो कॉम्प्लेक्स वाली वो पी प्लस जे क्यू है इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ऐसा इसका मैग्नीट्यूड हो गया, और एंगल फाई है ही, इस मैग्नीट्यूड को मैं एस से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, और ई टू द पावर जे फाई ऐसा मैं इसका एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन दे सकती हूँ। अभी जो हम सम्स करेंगे एसी सर्किट्स के वो मोस्टली पोलर और रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन को यूज़ करते हुए करेंगे। आप मोबाइल से पोलर टू रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर टू पोलर रिप्रेजेंटेशन को भी आप समझ सकते हैं, यूट्यूब पे देख लीजिएगा आप कि पोलर टू रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर टू पोलर ट्रांसफॉर्मेशंस कैसे करते हैं। पर आज के वीडियो में मैं आपको बस यही सारी चीज़ें बताना चाह रही थी कि फेजर रिप्रेजेंटेशंस कितने टाइप के होते हैं, तो फेजर नहीं कहना चाहिए, कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशंस कितने टाइप के होते हैं, क्योंकि कुछ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज़ और कुछ नॉन कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज़।
आज के वीडियो में मैं आपको यही बताना चाह रही थी कि कितने टाइप के कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशंस हो सकते हैं। उनमें से कुछ फेजर क्वांटिटीज़ होती है, कुछ नॉन फेजर क्वांटिटीज़ होती है, पर रिप्रेजेंट करने का तरीका रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन, पोलर रिप्रेजेंटेशन और एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन होता है। तो उम्मीद है आपको मेरा आज का कंटेंट पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरे आज के वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश करिए। थैंक यू।